गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को शानदार परिवहन का माध्यम बनाने के साथ ही उद्योगों का प्लेटफॉर्म बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा परवान चढ़ने लगी है। लिंक एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारे के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की तरफ से अर्जित भूमि पर सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई है। गीडा ने विश्व प्रसिद्ध पेप्सिको कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट मेसर्स वरुण वेव रेजेस को यूनिट लगाने के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगामी 7 दिन में कंपनी को भूमि आवंटन पत्र सौंप दिया जाएगा। मेसर्स वरुण वेव रेजेस यहां 1071 करोड़ 28 लाख रुपए का निवेश करेगी। कंपनी द्वारा शीघ्र ही यूनिट लगाने का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से करीब 1500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO गीडा पवन अग्रवाल ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारे हेतु गीडा के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम नरकटहा में पेप्सिको की बॉटलिंग यूनिट मेसर्स वरुण वेबरेजेस की तरफ से 60 एकड़ भूमि की मांग यूनिट लगाने के लिए की गई थी। कंपनी की तरफ से कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, वेस्ट सिरप, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, जूस ड्रिंक्स, मिल्क वेस्ट ड्रिंक्स, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स आदि का उत्पादन यहां लगाने वाली यूनिट में किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुसार फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट प्रक्रिया के तहत गीडा की तरफ से पहले चरण में कंपनी को 45 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र अगले 7 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते 5 साल में गीडा उद्यमियों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। विकास के साथ रोजगार की संभावनाओं को पंख लगे हैं। औद्योगिक विकास के जरिए रोजगार सृजन के लिए गीडा में प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री स्थापित करने की भी मंजूरी मिल चुकी है। इन दोनों के मूर्त रूप में आने के साथ ही 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही नहीं, योगी सरकार के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC में गीडा को करीब 2,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। कई उद्यमियों ने फैक्ट्रियों का निर्माण भी शुरू करा दिया है। इससे 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।